हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती हो रही है, इससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर पोस्ट कर दी है। यहां पर शेयर की, अमेजन की लिंक पोस्ट की है। वर्ग 3 की बुक, सी टेट की बुक्स, MPPSC की बस सफलता की बहुत करीब आपको ले जाती है। तो दोस्तों, जो आप कमेंट करते हैं उनसे ही बनता है मेरा अगला वीडियो। और आज मैं आपके 3 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कमेंट्स लेकर आया हूं, उन्हें पढ़ देता हूं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए आज के वीडियो का टॉपिक क्या। पहला कमेंट ये आ रहा है दोस्तों, क्या EWS में आने पर UR की सीट्स पर जॉब नहीं मिलेगी। बहुत से भाई बहन जो कि आपके आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि यदि हमने EWS पर S कर दिया तो जो बाकी की सीटें हैं UR की, क्या उन पर से हमारा हक चला जाएगा, कि हमें सिर्फ EWS की जो सीट बचेंगी उन पर ही जॉब मिलेगी। तो इस बारे में बात करेंगे और इस पर मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर से मैं आपको तर्कों के आधार पर इसे क्लियर करूंगा। इसके अलावा, क्या सभी वर्गों को EWS ऑप्शन पर S और नो करना है। जी, सभी वर्गों को नहीं करना है, खासकर हमारे जो ST SC OBC जिन्हें रिजर्वेशन प्राप्त है उन्हें इस पर भाग नहीं लेना है, क्योंकि आपको पहले ही रिजर्वेशन मिल चुका है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए EWS के अंतर्गत आते हैं उनके लिए ऑप्शन या ये रिजर्वेशन बनाया गया है। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, जो हमारे भाई बहन हैं जो कि रिजर्वेड कैटेगरी से आते हैं, चाहे हम SC ST OBC की बात करें, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रक्रिया है आपके लिए नहीं है। इसके अलावा, क्या सर भारी आवेदकों को EWS में S और नो करना है, क्योंकि जो भारी आवेदक होते हैं वो भी जनरल में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं। तो जब हम सामान्य वर्ग की EWS की बात करते हैं तो उनके मन में एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि हमें भी जाकर के ऑनलाइन प्रोफाइल पर अपडेट करना है और EWS के ऑप्शन पर S या नो करना है, तो इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, क्या EWS में आने पर UR की सीट पर जॉब नहीं मिलेगी, ये आपके मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और इस पर मैंने वीडियो बनाया, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि EWS क्या है और इसमें यदि आपने S कर दिया तो क्या जो UR में जो आपके सीट्स हैं उन पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये माने आप कि आपकी मार्कशीट को आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी जो गिनती की जाती है वो UR में ही की जाती है। UR एक ओपन कैटेगरी है, यानी कि इसमें कोई रिजर्वेशन ना हो वो UR कहलाती है, और जो रिजर्व कैटेगरी हो, जिसमें कोई भी रिजर्व कैटेगरी हो, वो रिजर्वेशन में आती, यानी कि आरक्षित और अनारक्षित। अनारक्षित मींस क्या होता है कि उसमें कोई भी जाकर फाइट कर सकता है अपने नंबरों के आधार पर। आरक्षित मींस क्या होता है कि उसमें विशेष वर्ग ही फाइट कर सकते हैं, दूसरा वर्ग उसमें नहीं जा सकता है। उदाहरण यहाँ पर सुने आप, या फिर ध्यान से इस उदाहरण को समझने का प्रयास करें। जैसे कि EWS, EWS में वही लोग फाइट करेंगे जो उस रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा रिजर्वेशन में आपको बता दूं, ओबीसी भाई बहनों का ले लें, ST का भाई बहनों का ले लें, SC का भाई बहनों का ले लें, या फिर दिव्यांग रिजर्वेशन ले लें। ठीक है, हम 4 रिजर्वेशन ये ले लेते हैं। ओबीसी के रिजर्वेशन में सिर्फ ओबीसी के ही भाई बहन फाइट करेंगे अपने नंबरों के आधार पर, उसमें ST नहीं जा सकता, SC नहीं जा सकता, दिव्यांग नहीं जा सकते, जनरल नहीं जा सकते, सिर्फ ओबीसी वाले ही उसमें फाइट कर सकते हैं। ऐसे ST SC या दिव्यांग, दिव्यांग का जो रिजर्वेशन होता है उसमें सिर्फ दिव्यांग लोग ही फाइट कर सकती है, जो जनरल लोग हैं जो दिव्यांग में नहीं आते हैं वो उसमें नहीं जा सकते। ये आप समझ गए होंगे कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी क्या होती है, अनरिजर्व्ड होती है जिस पर कोई रिजर्वेशन लागू ही नहीं है। तो जब जो UR में है, ओपन है, वो सभी के लिए है, लेकिन ओपन की आप शर्तों को पूरा करते हो। यहां पर ध्यान से देना, देखना दोस्तों, ओपन में वही सीट ले सकता है जो उसकी शर्तों को पूरा करता हो। उसकी शर्तें क्या होती है, एज संबंधी शर्त हो गई कि UR की एज कितनी होती है, सामान्य वर्ग के पुरुष की 40 वर्ष, महिलाओं को छूट दी जाती है 40 वर्ष। अब आप यदि 40 वर्ष की एक कैटेगरी है उसे आप फॉलो करते हो कि भैया हमारी एज जो है 40 से कम है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया उनका, कि उनकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं दोस्तों वो 60% होते हैं, यानी 150 में से 90 नंबर, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हो गई, और भी कंडीशन होती है UR की, वो सब आप फॉलो करते चले आ रहे हो, आपके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वहां पर जा सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका EWS कैटेगरी है वो आपको विशेष सुविधा दी गई है, एक रिजर्वेशन, और उस रिजर्वेशन में सिर्फ EWS वालों से ही आपकी फाइट होनी है। लेकिन यदि आपकी EWS की जो मेरिट है, या मैं कहूँ कि कट ऑफ है, वो UR से हाई चली गई, तो फिर आप UR में आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको उदाहरण सहित समझा देता हूँ। मान लो EWS है और EWS में किसी सब्जेक्ट को, हम किसी भी सब्जेक्ट को ले लें एक उदाहरण के रूप में, चाहे आप मैथमेटिक्स ले लें, साइंस ले लें, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, XYZ।
एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट आपने ले लिया, आपके सब्जेक्ट में आपने यूआर से फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, और फिर आपने सोचा कि हमारे पास ईडब्ल्यूएस भी है तो उसमें एस कर दिया। अब आप किसके अंतर्गत आ गए, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, ठीक है। अब यूआर में जो आपकी रैंकिंग है वो कहाँ चली गई, कितने परसेंटेज पे चली गई, यूआर की मान लो 70% पे, कि भैया जो 70% वाला है उसे ही यूआर की सीट मिलना है, एक कट ऑफ चली गई 70% में, ठीक है। आपने ईडब्ल्यूएस लगाया, अब आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कहां तक चली गई, मान लो कि 68% पे, 68% पे आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चली गई, ठीक है। अब आपको 68 पर तो ईडब्ल्यूएस में जॉब मिल गई, अब आपके 68 से जो कम है, मींस जो 67 है, जो 66% है, वो तो ईडब्ल्यूएस में अब आ नहीं पा रहा है, तो वो कहां जाएंगे, यूआर में, लेकिन यूआर की आप कट ऑफ देख रहे हैं वो 70% पे है, तो वो वहां पर सिलेक्शन उनका नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके 70% नंबर आए, क्योंकि यूआर की जो रैंकिंग है या जो कट ऑफ है वो 70% पे जा रही है, ईडब्ल्यूएस की 68% पे जा रही है, तो जिनके 68% आए थे वो उसमें सिलेक्ट हो गए। अब उससे जो नीचे हैं, भले ही वो यूआर में आ रहे हैं, लेकिन वो उस कट ऑफ को मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका नहीं होगा, ठीक है। तो वो ईडब्ल्यूएस में जो आ गए उनका तो हो गया, लेकिन उससे नीचे जो चले गए वो यूआर में भी नहीं आ पाए, भले ही उनका नाम यूआर में हो लेकिन वो 70% पे नहीं पहुंच पाए। एक बात आप ये समझ गए होंगे। अब देखें यहां पर कि मान लो ईडब्ल्यूएस में आपने आवेदन कर दिया है ना, अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं जिससे कि आप बेहतर समझ पा रहे। ईडब्ल्यूएस में आपने आवेदन कर दिया, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 70% चली गई, ठीक है। 70% वाले जो नंबर वाले थे ईडब्ल्यूएस का लाभ लेकर वो जॉब प्राप्त कर गए, लेकिन यूआर की कट ऑफ उससे नीचे चली गई, यूआर की कट ऑफ अब कितनी चली गई, 68, लेकिन ईडब्ल्यूएस की 70 चली गई, तो उससे जो नीचे हैं यानी कि 69 वाले हैं, 68 वाले हैं, वो यूआर में जॉब प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उसकी यूआर की कट ऑफ से वो मैच कर रहे हैं। यहां पर मतलब एक ही है कि आप जैसे यूआर मार्कशीट देखोगे अपने, उसमें जो रैंकिंग देखोगे तो यूआर में आप अपनी रैंकिंग चेक करना, यूआर में आपकी रैंकिंग हमेशा ज्यादा दिखेगी, क्योंकि उसमें सभी वर्ग शामिल हैं। और जब आप अपनी कैटेगरी में जाओगे, जो आपको रिजर्वेशन मिला उसमें जाओगे, तो आपकी यूआर से थोड़ी रैंकिंग कम दिखेगी आपको। क्यों दिखेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ आप ही हो, दूसरे कैटेगरी के लोग नहीं है, लेकिन ओपन जो कैटेगरी होती है उसमें सभी है, तो जब सबके अच्छे नंबर आए तो यूआर की जो रैंकिंग होती है, जो कट ऑफ होती है, वो थोड़ी ऊपर होती है रिजर्वेशन की अपेक्षा। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, या हम ईडब्ल्यूएस का ही बात कर रहे हैं, यदि वो है वो हाई चली गई आपकी यूआर की, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 70% नंबर पर सिलेक्ट हो रहे हैं, यूआर 68% पर नंबर पर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो 70% जितने थे वो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट हो गए, लेकिन यूआर की जो कम गई है रैंकिंग, 68 गई है, उस पर वो आकर क्या होगा कि जो बच गए हैं जिनके 70 से कम है, 69 है, 68 है, वो उसमें जाकर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मींस ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है, और जो आपको यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लो आ जाती है, तो डेफिनेटली आपको ईडब्ल्यूएस का भी लाभ मिलेगा, और यदि नंबर कम है और रैंकिंग यूआर की कम है तो वहां भी आप सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अधिकतर यदि उल्टा हो गया कि मान लो ईडब्ल्यूएस वाले 68 नंबर तक सिलेक्ट हो रहे हैं और उससे कम जिनके नंबर हैं वो उसमें ईडब्ल्यूएस में नहीं आ पा रहे हैं, और यूआर की जो कट ऑफ है वो 70 पर चली गई है, तो फिर आपके जो नंबर हैं, जो रैंकिंग है, वो मैच वहां पर नहीं कर रही है, तो फिर ऐसा है कि आपको वो जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि यूआर की जो कैटेगरी है, जो रैंकिंग है, जो कट ऑफ है, उससे आपके नंबर मैच होने चाहिए, जिनके मैच हो जाएंगे उन्हें वो सीट मिल जाएगी। सीधा सा फंडा है दोस्तों। तो ईडब्ल्यूएस में यदि आप एस करते हैं तो उस रिजर्वेशन का लाभ मिलता है आपको, और यदि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है, यूआर की लो रह जाती है ईडब्ल्यूएस से, तो वहां भी आपके चांसेस बन जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस पे एस करने से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है, ये आपके हक है। यदि आप उस रिजर्वेशन में आते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको एस करना चाहिए। दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे कि यूआर में भी जो कैटेगरी है वो सभी के लिए है, ओपन कैटेगरी है, उसके जो नियम है, चाहे एज संबंधी नियम हो गया, चाहे पासिंग मार्क संबंधी नियम हो गया, और चाहे यूआर के जो कट ऑफ संबंधी नियम हो गया, वो सब आप मैच कर जाते हो, डेफिनेटली उसकी सीट आप पा जाते हो।
EWS का भी सेम ही है कि EWS में आप आते हो और उसकी जो सीट्स हैं, उसकी जो रैंकिंग है, जो उसकी कट ऑफ बनेगी उसमें आप आते हो, तो EWS के अंतर्गत आप एक सीट प्राप्त कर जाते हो। तो कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है और इससे कन्फ्यूजन से आप दूर रहें, क्योंकि मैं बहुत बार ये वीडियो में भी बोल चुका हूँ, एक पूरा वीडियो ही लाया था, उसमें भी मैंने समझाने की कोशिश की थी। आज होप कि आज आप समझ गए होंगे और मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है, उदाहरण देकर समझाया है दोस्तों। तो EWS आपके लिए है दोस्तों, और यदि आप उसमें आती है तो डेफिनेटली आपको एस करना ही चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या सभी सामान्य वर्गों को EWS पर एस या नो करना चाहिए? एक कन्फ्यूजन हो गया था कि जो सामान्य वर्ग में आते हैं, जो EWS में नहीं आते हैं, क्या उन्हें भी प्रोफाइल पे जाकर नो करना है? तो दोस्तों एक न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, जो कि ग्वालियर से निकलता है दोस्तों, और उसमें ये न्यूज आई थी दोस्तों, जो दैनिक भास्कर 20 जनवरी 2020 पेज नंबर 14, जो कि ग्वालियर का एडिशन था, और सीपी के जो लास्ट पेज होता है उसमें ये दी गई थी पेज नंबर 14 पर। उसकी खबर के आप लास्ट के दो लाइनें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। इस दौरान EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए एस और आरक्षण का लाभ नहीं लेने के लिए नो का ऑप्शन चुनना होगा, क्योंकि उसमें एस का अकेला यदि ऑप्शन दे देते तो फिर सीधी सी बात थी कि आप एस पे क्लिक करें और बात खत्म हो गई, लेकिन उसमें नो का भी ऑप्शन दिया है। और न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई थी दोस्तों कि आपको एक तो एस चुनना है और जो उसमें नहीं आते हैं उन्हें नो चुनना है, अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है दोस्तों। तो इस पर मैं वीडियो लेकर ही आया था और मैंने आपको बताया था, क्योंकि दोस्तों जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, और बाद में ऐसा ना हो कि आप ये कहो कि अतुल सर आपने तो उस टाइम पे हमें ये बात बताई नहीं, अब हमारा नुकसान हो गया। तो मैं उस नुकसान से बचा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कमेंट आए कि सर जो रिजर्वेशन में ही आ रहे हैं EWS में, सिर्फ उन्हें ही एस करना है और बाकी के लोगों को कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने उनसे यही कहा कि एक तो आपके मोबाइल है, आपके पास स्मार्ट मोबाइल है, उसमें जाकर सिर्फ आपको लॉगिन ही करना है और एस और नो पर क्लिक करना है, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं यदि ऐसा कर सको अपडेट, और यदि कोई परेशानी आ रही तो फिर आप अपने स्तर से देख सकते हो। और सेकंड ये है कि आप MP ऑनलाइन के नंबर भी डले हुए हैं, उन पर कॉल करके पूछ लें कि ये प्रक्रिया सभी के लिए है कि हम ही के लिए, तो फिर वो वहां पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो यदि आपकी प्रोफाइल अपडेट हो रही है तो अपडेट करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। यदि आप रिजर्वेशन में आ रहे EWS में तो एस कर दें, नहीं आ रहे तो नो कर दें, उसमें कोई बुराई तो है नहीं है। जब हमने इतना काम कर लिया, जब हम साल भर से फॉर्म फिल कर लिया, सब काम कर लिया, तो फिर लास्ट में हम एक स्टेप से क्यों चूके हैं? क्योंकि आप स्वयं ही ये कर सकते हो। मैंने पूरा एक वीडियो डाला था कि आप कैसे लॉग इन कर सकते हो, MP ऑनलाइन लिखें, उसके अंतर्गत जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नागरिक सेवाएं लिखा आएगा, नागरिक सेवाएं पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे आपका आ जाएगा काउंसलिंग, काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका नियोजन की प्रक्रिया का एक फोल्डर सबसे नीचे दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका DPI और जनजाति विभाग के दो ऑप्शन आएंगे, जिस पे आपको मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती के तहत DPI पर क्लिक करना है। तो उसके अंदर जैसे ही जाएंगे तो आपका वर्ग एक और वर्ग दो के फोल्डर आ जाएंगे, उनमें क्लिक करके आप सीधा वहां पहुंच जाएंगे और ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं लॉग इन कैंडिडेट पर। तो वहां पर लॉग इन कर लें और अपना मोबाइल नंबर जो भी उसमें, एक तो आपका रोल नंबर चाहिए और दूसरा दो तीन चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो वो मैंने पूरा आपको बताया था और विद प्रूफ ही बताया था मैंने आपको, कंप्यूटर पर पूरा खोलकर ही बताया था, तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि हम एक स्टेप हमें और लेना है कि हमें नो या यस पे करना है तो कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो अपडेट कर देना चाहिए, फिर आपके ऊपर है। और जो टोल फ्री नंबर दिए गए उस पर भी आप संपर्क कर ही सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, क्या भारी आवेदकों के लिए EWS पे एस और नो करना है? तो आपके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन पे हम चलें तो आपको कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा, जो भी भारी आवेदक हैं दोस्तों, है ना, उन्हें कोई रिजर्वेशन का लाभ तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि जितनी भी रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी उन्हीं को मिलेगा। अब यदि आप उस पर जाते भी हो पोर्टल पर, चाहे वर्ग एक की बात करें, वर्ग दो की बात करें, और लॉगिन पर क्लिक करोगे तो पहली तो चीज़ ये लिखी आएगी कि योर डाटा इज नॉट फाउंड लिखा जाएगा, बहुत से आवेदकों जो कि मैंने आपसे ही, आपने मुझे कमेंट करके बताया, जो भी बाहरी राज्य के हैं और कियोस्कने से भी मैंने बात की, उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये लिखा जाएगा जो बाहरी राज्य के लोग हैं। और सेकेंड ये है कि यदि आपकी प्रोफाइल सामने प्रदर्शित भी हो गई, आपको दिख भी गई, तो उसमें EWS
EWS का ऑप्शन नहीं आएगा। तब EWS का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो आप एस और नो कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिकली रूप में भी हमें लेना है। तो प्रैक्टिकली रूप में लेने के लिए आप क्या करोगे, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाओगे, अपनी रोल नंबर डाल के देखोगे तो आपकी यदि प्रोफाइल ओपन भी हो जाएगी अदर राज्य के जो भाई बहन है तो उस पर ना तो EWS लिखा आएगा ना उस पर एस और नो के ऑप्शन आएंगे। जब EWS लिखा ही नहीं आ रहा है, एस और नो के ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे चुनोगे, ना तो आप एस चुन सकते हैं ना नो। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें ही EWS का लाभ मिल रहा है। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी सवर्ण वर्ग में आते हैं सिर्फ उनके पे ही ये ऑप्शन दिखेगा आपको, जहां पर आपको यदि EWS में आते हैं तो एस करना है और EWS में नहीं आते हैं तो नो करना है दोस्तों। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से देखें और प्रैक्टिकली रूप में देखें, जो भी है वो ये कर सकते हैं जो भी अदर राज्य वाले हैं कि उनके पे एस और नो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, है ना। तो आएगा ही नहीं मेरे हिसाब से, जितनी भी लोगों से मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके पर आ रहा है तो यदि आप अपडेट करा सकें तो बहुत अच्छा होगा। यदि EWS में आते हैं तो एस कर दें और नहीं आते हैं तो नो कर दें। और जो हमारे और भाई बहन हैं ST SC OBC और भी कैटेगरी में जिन्हें रिजर्वेशन प्राप्त है तो वो बिल्कुल भी चिंता न करें, जैसे ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, क्योंकि 20 तक तो आपको वेट करना ही है, 20 फरवरी तक, उसके बाद ही आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें, कोई टेंशन न लें। और जैसे ही कोई नया नियम आता है तो बहुत सारे अतुल कुमार शर्मा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जनरल चैनल हैं जो सबसे पहले वो न्यूज लेकर आते हैं, यानी कि उधर आदेश जारी होता है इधर आपके पास वो न्यूज पहुंच जाती है। तो इतना फास्ट काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल हैं तो आपके पास न्यूज पहुंची जाएगी यदि कोई नई न्यूज आती है। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, टेंशन फ्री रहें दोस्तों, खुश रहें, प्रसन्न रहें और दूसरों की मदद करते रहें, अपनी भी मदद करते रहें और चारों तरफ खुशियां बिखेरते रहें। क्योंकि एक अच्छा वातावरण, एक अच्छे समाज का निर्माण एक शिक्षक ही कर सकता है, और जो मेरा वीडियो देख रहा है उससे बेस्ट शिक्षक कोई हो नहीं सकता है। तो यदि मैं उस बेस्ट शिक्षक से कुछ मांगूं कि भाई हमें ये सब करना है, अच्छा वातावरण निर्माण करना है, तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। कहते हैं कि हमें एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाना है, तो उसकी जो गणना की जाती है वो बनाने वाले हैं वो सिर्फ शिक्षक ही हैं, क्योंकि शिक्षक ही वो स्वस्थ भारत या स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं, जो वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जो आगे चलकर भारत को फिर से विश्वगुरु की पति पर बैठा रहेगा और विश्वगुरु के बढ़ने में एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।